नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। आज बॉलीवुड खिलाड़ी अक्षय कुमार का जन्मदिन है। इस खास मौके पर एक्टर अपने परिवार के साथ महाकाल के दर्शन किए। वहीं अब खिलाड़ी कुमार ने अपने जन्मदिन पर फैंस को एक बड़ा तोहफा दे दिया है। बर्थडे के खास दिन पर उन्होंने अपनी आगामी फिल्म वेलकम 3 का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, साथ ही इसका प्रोमो भी जारी कर दिया गया है, जो काफी ज्यादा मजेदार है, फैंस को काफी ज्यादा पसंद आया है। अब इसी के साथ ही प्रोमो में फिल्म की भारी भरकम स्टार कास्ट के साथ रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है, जो कि सोनी पे सुहागा जैसा काम कर रहा है। अब आपको हम बता देते हैं, फिल्म वेलकम 3 के प्रोमो में आप देख सकते हैं कि एक ही फ्रेम में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट नजर आ रही है। वेलकम 3 में आपको अक्षय कुमार, संजय दत्त, अर्शद वारसी, दिशा पाटनी, रवीना टंडन, लारा दत्ता, परेश रावल, दिलेर मेहंदी, मिका सिंह, राजपाल यादव, जॉनी लिवर समेत कई शानदार सितारों का मेला देखने को मिलेगा। ये सभी आपको हंसा हंसा कर लोटपोट करने की पूरी तैयारी के साथ आ चुके हैं। जी हाँ, प्रोमो के साथ फिल्म की रिलीज डेट भी बता दी गई है। अहमद खान द्वारा निर्देशित ये फिल्म अगले साल 20 दिसंबर 2024 को रिलीज होगी। अब इस खुशी के मौके पर कई फैंस ऐसे हैं जो वेलकम के स्टार कास्ट को लेकर थोड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस बार फिल्म में नाना पाटेकर और अनिल कपूर नजर नहीं आएंगे। बता दें कि वेलकम 3 में अक्षय कुमार के साथ उदय भाई का किरदार संजय दत्त और मजनू भाई का रोल अरशद वारसी निभाएंगे, क्योंकि वेलकम 3 का हिस्सा बनने से इन दोनों एक्टर ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। वही अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वेलकम 3 नाना पाटेकर और अनिल कपूर के बिना अधूरा है और फैंस इन दोनों को फिल्म में काफी ज्यादा मिस करने वाले हैं। वैसे अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कॉमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना तो भूलें ही ना, ताकि हम कोई भी अपना वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए।